हेलो बच्चों माई सेल्फ गौरव अरोड़ा बच्चों मैं आपका पेपर डिस्कस कर रहा हूं जो आज ही हुआ है सी ए फाउंडेशन अकाउंट्स बच्चों कल आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का पेपर है इसलिए मैं कंप्लीट सोल्यूशन नहीं कर रहा मैं मेनली आपको ट्रू फॉल्स बता दूंगा जो थियोटिकल क्वेश्चन थे उनमें क्या लिखना था और बाकी कौन सा किस चैप्टर से आया था क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे और उसका लेवल क्या था तो बच्चों हमें पता है जैसे क्वेश्चन वन हमारा कंपलसरी होता है और उसके बाद बच्चों जो फाइव क्वेश्चन है उनमें से हमें कोई फोर करने थे तो जस्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका तो बच्चों पहला पार्ट हमें पता है ट्वेल्व मार्क्स का होता है सिक्स टू फोल्स पूछते हैं तो इनके अंदर क्या लिखना था वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं बच्चों पहला है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म द प्रॉफिट लॉस ऑन रिवेल्युएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों आपको आंसर लिखना था फॉल्स आपने लिखना था इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द प्रॉफिट ऑफ लीक लॉस ऑन रिवेल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सेकंड बच्चों क्वेश्चन इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस अमाउंटिंग टू फाइव लैक एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट रुपीज थर्टी फाइव शो ऑफ नहीं होता अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ना भी होता तो भी हमें इसको राइट ऑफ करना होता स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल सी और सिक्योरिटी प्रीमियम है तो इसी में से राइट ऑफ करेंगे तो हम लिखेंगे ट्रू

बस आप इतना ही लिख देंगे ट्रू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांटेड मशीनरी कंप्लीटली डेमेज बाय फायर इज ए कैपलिस इसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सर ऑफ रुपीज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अगर आप ऑफिस के लिए फर्नीचर एंड फिक्सचर परचेज करते हैं तो ये आपका रियल अकाउंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया तो हमसे कोई पूछे ये कौन सा एरर है बच्चों ये फॉल्स है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों ए लिमिटेड इज सेंडिंग गुड्स कॉस्टिंग फिफ्टी थाउजेंड टू बी लिमिटेड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस द अकाउंटेंट ऑफ ए लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट दीज गुड्स शुड बी सेंड अंडर ए सेल्स इनवॉइस बच्चों फॉल्स है आपको इस केस में परफॉर्मा इनवॉइस भेजना पड़ता है तो हम कहेंगे फोल्स अकाउंटेंट ओपिनियन इज नॉट राइट गुड्स शुड बी सेंड अंडर परफॉर्मा इनवॉइस। इन वॉइस और बच्चों लास्ट एट ट्रू फॉल्स में कंसर्न टू डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस फ्रॉम दिसंबर 2020 एंड डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ ऑल इट्स प्लांट विद इन ए पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स

अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सर्विसेज कैन ए चार्टेड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी तो बच्चों आपने अपनी स्टडी वाले आंसर ही लिखने हैं फर्स्ट मेंटेनेंस ऑफ ऑफ बुक्स अकाउंट मैं हेडिंग बोल रहा हूं आप उसके अंदर पता है क्या लिखना है इसी तरह से बच्चों स्टेशनरी ऑडिट इंटरनल ऑडिट टैक्सेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस फाइनेंशियल एडवाइस अदर सर्विसेज बच्चों ये सेवन दे रखी हैं आपकी स्टडी में आप कोई भी फोर लिख देते हैं यहाँ पर क्योंकि फोर मार्क्स का ही क्वेश्चन था इससे अगला बच्चों क्योंकि मैं ये क्वेश्चन तो पूरा ही डिस्कस कर लेता हूं ये सेल्स बुक का क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा दे रखा है आपको दर समाजेक्शन ट्वेंटी बुक तो बच्चों ये पहली ट्रांजेक्शन जो इसने सेल की है ऑन क्रेडिट ये आएगी क्योंकि सेल्स बुक में बच्चों क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को हम रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ पर ये यह जो लिख रखा है ना फोर्टी शर्ट एट रुपीज नाइन हंड्रेड पर शर्ट थर्टी ट्राउजर एट रुपीज वन थाउजेंड पर ट्राउजर ये लिखेंगे बच्चों ट्रेड डिस्काउंट घटाकर टोटल वाले अमाउंट में आ जाएंगे सोल्ड फर्नीचर नहीं आएगा क्योंकि ये एसेट है हम सिर्फ गुड्स की सेल को दिखाते हैं जो उधार पे की है और यहाँ बच्चों कैश में सेल है ये भी नहीं आएगी बस सिंगल यही ऊपर वाली ट्रांजेक्शन आनी है इसके बाद बच्चों जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का बच्चों बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है मैं एज ए टीचर नहीं कह रहा आप अगर देखेंगे तो स्टडी में हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इन्वेंट्री का है इजी क्वेश्चन आया था बच्चों वाला हमने ये पॉइंट डिस्कस कर रखे हैं इसे नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट का है क्योंकि मैं बिल्कुल स्मॉल सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बच्चो इसे नेक्स्ट है बच्चो जो क्वेश्चन है उसमें हमें कोई दो में से एक पार्ट करना था पहला अकाउंट करंट का क्वेश्चन है और दूसरा बच्चों एवरेज ड्यू डेट का दे रखा है इन्होंने इससे नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बच्चों उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो हमारा रिटायरमेंट एंड एडमिशन का है ये क्वेश्चन आपकी स्टडी में एज इट इज फिगर भी यही है दे रखा है मैं यूं नहीं कहूँगा कि हमारे मेड्यूल में बच्चों हम लोग जो मेड्यूल बनाते हैं वो स्टडी मोल टेस्ट पेपर उन्हीं की हेल्प से बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का है आपकी स्टडी में इस तरह का क्वेश्चन है अमाउंट यहाँ पर चेंज है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर उसी तरह का है बच्चों ओवरऑल आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना ये इजी वन है क्योंकि हमने पढ़ रखे बच्चे के लिए मुश्किल तब होता है जब बच्चे ने उस तरह का क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और नेक्स्ट बच्चों बी और सी दोनों क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स के थे अगेन मैं कहना चाहूंगा स्टडी का क्वेश्चन है ये भी आपका बी भी और सी भी उसमें ये अकाउंट भी यही पर्टिकुलर पूछ रखे हैं ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हो गया तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन हमारे फाइनल अकाउंट्स के आए थे स्टडी के अंदर से ही हैं बच्चों इसके बाद बच्चों इशू ऑफ शेयर्स हमें पहले से पता होता है कि जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है वो इश्यू ऑफ शेयर्स का टेन मार्क्स का फाइव मार्क्स का इशू ऑफ डिवेंचर और फाइव मार्क्स में हमारी थ्योरी आती है मैं थ्योरी आपसे डिस्कस करता हूँ और बच्चों इसने पूछा है क्वेश्चन डिस्कस द फैक्टर टेकन इन टू फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन बच्चों थ्री फैक्टर्स होते हैं हमारे क्या क्या ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इसमें आप लिख देंगे कि जो एसेट हम परचेज करते हैं उसके यूज से पहले जो भी उस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है सब हम उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड करते हैं दूसरे नंबर पे बच्चों एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट और थर्ड वन बच्चों एस्टिमेटेड थर्ड वन बच्चों एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो बच्चों ये तीन ही फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पर डेप्रीसी कंसीडर होता है चाहे मेथड कोई भी हो यूज सो बच्चों आपका पेपर काफी अच्छा गया होगा ऑल द बेस्ट फॉर यूअर लास्ट एग्जाम बाय बच्चों